आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर में जो भी तकलीफ थी है, किसी के पास आप पूरा स्कैन कीजिए बॉडी को, शायद सेवन चक्रस को स्कैन कीजिए, मूलाधार चक्र में कुछ तकलीफ है, लोअर भाग में, सेकंड चक्र स्वादिष्ठान चक्र में कोई तकलीफ है, सेक्सुअल एरिया में, उसको याद कीजिए, सिर्फ अवेयरनेस में लाना। तीसरा नाभि चक्र में डाइजेशन, स्टमक, इंटेस्टाइन्स कोई तकलीफ है, उसको जेन में लाना। चौथा चक्र हृदय में, लंग्स में, फेफड़े में कोई तकलीफ है, उसको अवेयरनेस में लाना। पांचवा चक्र थ्रोट, कंठ, थायराइड, गले में कोई तकलीफ है, उसको याद कीजिए। सिक्स्थ आंखों में कोई तकलीफ है या सांस में कोई तकलीफ है, उसको याद कीजिए। ब्रेन में, लास्ट में ब्रेन, जो भी तकलीफ है उसको याद कीजिए या अवेयरनेस में लाना और उसको फील कीजिए। जो दर्द आता है उसके साथ में जुड़ा हुआ जो दर्द महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है, उसको महसूस कीजिए, अवेयरनेस में लाना और वो पूरा महसूस करना, यानी कि जो फीलिंग्स आपको जब दुख आता है या तकलीफ आती है, राइट, शरीर का तकलीफ आती है, दर्द होता है, वो दर्द को महसूस कीजिए। और वो दर्द के साथ एक हो जाइए। हाँ, तकलीफ है शरीर को, ठीक है, मानते हैं, उसको स्वीकार कीजिए पहले। शरीर शरीर आपसे बात कैसा करेगा? उनके पास तो जबान नहीं है, तो वो ये दर्द के साथ आपसे बात कर रहा है। दर्द के साथ आपसे बात कर रहा है कि देखो, मेरे पास जबान तो नहीं है, लेकिन दर्द के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, मैसेज दे रहे हैं कि इधर कोई ना कोई ब्लॉक है, एनर्जी ब्लॉक है, वो एनर्जी ब्लॉक को रिलीज करना है। और वो एनर्जी ब्लॉक को आप रिलीज कीजिए, बादल में डालिए। वो एनर्जी बादल में डालते हैं और वो गुरुजी के चरणों में डालते हैं।
कानों में डालते हैं, गुरु जी उसको आगे देते हैं, जितने भी मास्टर्स थे उनको दे देते हैं, जितने भी गुरुओं हैं उनको दे देते हैं, वो आगे जाकर अल्टीमेट महागुरु जो आपके हैं, मेरे लिए कृष्णा, आपके लिए जीसस या लॉर्ड मोहम्मद या बुद्धा या महावीर या जो भी हो, उनको सौंप दीजिए और वो भी आगे सृष्टि में सौंप देते हैं, आकाश में, और वो भी आकाश भी उसको आगे देते थे। तो जहाँ से ये एनर्जी का शुरुआत हुआ उसी को हम वापस दे रहे हैं। सब बना हुआ है, मेरी वजह से मेरा परिवार है, ये छोड़ दीजिए। मेरी वजह से मेरा कारोबार चल रहा है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरी वजह से ये स्कूल आश्रम चल रहा है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरी वजह से ये सब चल रहा है, ये भी बादल में जो भाव है छोड़ दीजिए। मेरी वजह से ये नुकसान हुआ है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरी वजह से ये नहीं हुआ है, ये छोड़ दीजिए। मेरी वजह से उसको दुख पहुंचा है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरी वजह से मैंने तकलीफ कितने लोगों को दिया है, वो भी छोड़ दीजिए। मेरी वजह से ये हुआ है या ये नहीं हुआ है, ये भी भाव बादल में डालिए गुरु जी के चरणों में, वो आगे उसको भेज देंगे। अभी तीसरा भाग, मेरा जो आइडियाज है सबसे बेहतर है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरे पास आइडियाज ही नहीं आते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। मेरा कारोबार सबसे अच्छा है, छोड़ दीजिए। मेरा कारोबार बन ही नहीं रहा है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरे पास बहुत धन है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरे पास धन है ही नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है, छोड़ दीजिए। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। मेरे प्रॉपर्टीज इतने 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 हैं, ये भी छोड़ दीजिए। मेरे पास प्रॉपर्टीज ही नहीं है, वो भी भाव, कमी का भाव छोड़ दीजिए। और बहुत ज़्यादा का जो भाव है, ये भी छोड़ दीजिए। आपका कुछ ना था, था ना तो है ना तो रहेगा, वो उनका था, उनका है, उनका ही रहेगा। हम तो सिर्फ एक मुसाफिर है जो उसको ट्रस्टी के हिसाब से आए हैं, ट्रस्टी के हिसाब से रहेंगे और ट्रस्टी के हिसाब से रह रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जो भी धन दौलत, प्रॉपर्टी, घर बार, गाड़ी, बंगला, मैं तो इसको सिर्फ देखने के लिए, संभालने के लिए आए, ताकि
मेरे बाद में इसका अच्छी तरह से देखभाल कोई ना और कोई करेगा। तो ये भाव से जो आपके पास था है वो भी छोड़ दीजिए, या नहीं है ये कमी का भाव भी छोड़ दीजिए, वो उसके पास है मेरे पास तो नहीं है, ये भाव भी छोड़ दीजिए। बादल में डालना गुरुजी को सौंप देना। उसके बाद मेरा बच्चा ये भी छोड़ दीजिए, ये उनके बच्चे हैं, आपके तो माध्यम से ही आए हैं, ये मेरा हस्बैंड मेरा वाइफ ये भी छोड़ दीजिए, ये तो कुछ मुसाफिर है कुछ समय के लिए आपके साथ जुड़े हुए, मेरे पिताजी मेरे माताजी ये भी छोड़ दीजिए, आपके नहीं है उनके हैं, हम उनके सब एक बूंद है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके एक भाग है छोटा सा भाग, ये भी छोड़ दीजिए। वो भाव बादल में डालेंगे और उसके गुरु जी के चरणों में अगर गुरु जी के चरणों में नहीं तो आपके जो भी गुरु है उनके चरणों में डाल दीजिए, कोई और होंगे उनके चरणों में डाल दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन चरणों में बादल में डाल के चरणों में डाल दीजिए, आपके जो गुरु है वो आगे भेजते जाएंगे। जितने भी आपके नज़दीक के रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स बायोलॉजिकल सब समर्पण कीजिए बादल में, वो आके दे देंगे। इस तरह से आपके जो डर है अनेक से डर है वो भी छोड़ दीजिए, जीने का डर मरने का डर लोगों का मरने का डर ये सब जो भाव है बादल में डालिए छोड़ दीजिए। आपके जितने भी पॉजिटिव थॉट्स है उसको भी छोड़ दीजिए, जो नेगेटिव थॉट्स है उसको भी छोड़ दीजिए, जो आपको ऊर्जा देते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो ऊर्जा नहीं देते हैं वो भी विचार छोड़ दीजिए, बादल में डालिए चरणों में डाल दिए और वो अपने आप जहाँ से आए हैं जहाँ से ये ऊर्जा प्रकट हुई है उधर ही जाकर एक हो रहे हैं। इस तरह से हमने अनेक से मान्यता बनाए हुए हैं, कुछ जो हमको ऊर्जा देते हैं वो भी फाइनली छोड़ना है, ये जानते हुए कि वो हमने टेम्पररी अपने सहायता के लिए बनाए हैं, और डेफिनेटली जो आपके आपको हेल्प नहीं करते हैं जो मान्यता हमने मैं अच्छा नहीं हूँ मेरे से नहीं होता है मैं कैपेबल नहीं हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, ये सब जो भाव है मान्यता आप बादल में डालिए छोड़ दीजिए। ये मेरा आश्रम है मेरा SSY है मेरा प्रोग्राम है ये भी छोड़ दीजिए, हमारे SSY जैसे कोई नहीं ये भी छोड़ दीजिए, हमारा रिलीजन जैसे कोई नहीं ये भी छोड़ दीजिए, हमारा जात जैसा कोई नहीं ये भी छोड़ दीजिए, मेरे जैसे कोई नहीं ये भी छोड़ दीजिए,
ये सब तो हमने ही बनाया है, ये छोड़ देना है, बादल में डालिए, छोड़ दीजिए। धर्म को भी छोड़ दीजिए, रिलीजन को भी छोड़ दीजिए, स्टेट को भी छोड़ दीजिए, देश को भी छोड़ दीजिए, विश्व को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे तो अनेक से विश्व है। प्लैनेट्स को भी छोड़ दीजिए, स्टार्स को भी छोड़ दीजिए, गैलेक्सीज को भी छोड़ दीजिए, हर चीज छोड़ दीजिए। जो आए वो वापस हम बादल में डाल रहे, चरणों में डाल रहे, आगे भेज रहे हैं। From where it has come, it goes back to the source. Feeling so much lighter, your feeling now. ये छोड़ते जाइए, शरीर से लेकर, शरीर से लेकर पहले, फिर रिलेशनशिप्स को लेके, फिर धन दौलत को लेके, जो सगुन है उसको छोड़ दीजिए, शरीर, रिलेशनशिप, खाना। खाना को हम पकड़ कर रखते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसके खाने से ये होगा, इसे ना खाने से ये होगा, ये भी छोड़ दीजिए। हर चीज को छोड़ना है, बादल में डालना है, छोड़ देना है। ये ठंडी है, ये गर्म है, बहुत ठंडा है, ये भी छोड़ दीजिए। बहुत गर्म है, ये भी छोड़ दीजिए। बहुत धूप है, ये भी छोड़ दीजिए। बहुत छांव है, ये भी छोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं डुअलिटीज। ये अच्छा है छोड़ दीजिए, ये बुरा है छोड़ दीजिए, ये सही है ये गलत है ये भी छोड़ दीजिए। ये ठीक है ये ठीक नहीं है ये भी छोड़ दीजिए। ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं करेंगे तो ठीक नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं करना है ये भी छोड़ दीजिए। फिर क्या रह गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। जो लोग जो भी है इट्स परफेक्टली ओके, जैसा भी है इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है, सही है, परफेक्ट है, इससे परफेक्ट नहीं हो सकता है। फील योर बॉडी नाउ। Now the body is getting lighter, lighter and lighter. क्योंकि आपके पास शरीर में है ही नहीं कुछ, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। Whatever you feel like, allow the body to flow. You can move your upper body, all lower body, all the hands, all the legs, in celebration of this let go, let go, let go.
celebrate this beautiful let go, celebrate this पूरा जो आपने छोड़ दिया है, मुस्कान लाइए अपने चेहरे पे। कितना कुछ हमने पकड़ कर रखा था, मालूम ही नहीं था, आज मालूम पड़ा, छोड़ दिया। आप एक बच्चे बन गए, जैसे एक बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। अलाउ योरसेल्फ, अलाउ द बॉडी to celebrate the way it feels like. If you feel like body is getting up, perfectly okay. If you feel like body is sitting, perfectly okay. जो हो रहा है होने दीजिए, because ना तो सही है ना तो गलत है, ना तो ठीक है ना तो ठीक नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है। Just celebrate. You can slowly even open your eyes. Close your eyes, sit and move, stand and move. कुछ नहीं करना है, वैसे ही बैठो, कुछ करना है, just allow your body, follow the body, जो है. Release everything through the body, via the body, outside. Even when you are moving, release करते जाइए, pass it on. मुस्कान लाइए, conscious smile.